फ्रेंड्स, जय माता दी। मेरा नाम है हनी उइके। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ, क्या बताने वाली हूँ गेस करो, आज की ट्रिक है स्टूडेंट्स के लिए। तो आज मैं आपको किसी भी बुक के नोट्स को जब हमें किसी को शेयर करना होता है तो हम उसके कैमरे से फ़ोटो लेते हैं और हम फ़ोटो सेंड करते हैं तो वो पूरी फ़ोटो, बुक की सारी फ़ोटो जाती है, वो एज अ टेक्स्ट नहीं शेयर होती। जब हम किसी को नोट्स शेयर करते हैं तो हम उसकी फ़ोटो लेते हैं और फ़ोटो को शेयर करते हैं तो पूरे रजिस्टर के पेज है उस पेज की फ़ोटो शेयर होती है। लेकिन इस ट्रिक में जब हम फ़ोटो क्लिक करेंगे तो सिर्फ जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो एज अ टेक्स्ट ही किसी को शेयर होगा। तो ये उसकी ट्रिक है। ओके, तो हमें सबसे पहले फ़ोटो क्लिक करनी है। मेरे पास ऑलरेडी फ़ोटो क्लिक करके आया है। सबसे पहले अपना ऐप ओपन करना है फ़ोटोज़ का। इसमें आपको मिलेगा ये नोट्स, तो ये टेक्स्ट बुक की है, आप रजिस्टर का भी ले सकते हैं। तो इसमें आपको स्कैनर का ऑप्शन मिलेगा, तो इसमें आपको स्कैन का ऑप्शन दिखाई देगा ये कॉर्नर में। ये स्कैन के ऑप्शन को टच करना है, सिलेक्ट ऑल करना है, कॉपी करना है, बैक जाकर व्हाट्सएप। देखो, मैंने इसके पहले भी ट्राई किया है मम्मी को सेंड करके, तो मैं ये फिर से कॉपी करके पेस्ट कर रही हूँ और ये शेयर, तो आप देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट, अ हार्टी वेलकम टू यू ऑल इन स्टैंडर्ड। ओके, ये अब आपको ये ट्रिक कैसी लगी उसे ज़रूर बताइए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, लोग वीडियोस देखकर जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक भी नहीं करते, ठीक है? तो सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी ट्रिक मैं और डाल पाऊँ। ओके, थैंक यू, जय माता दी।